अरे सर, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कैसे? सर, मैं ना इस शहर में नया हूँ और मुझे नौकरी की ज़रूरत है, और आपको लड़के की, तो क्या मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूँ? नौकरी तो मिल जाएगी मेरे भाई, काम थोड़ा कठिन होगा, कर लेगा। अरे गौरव, वो काम छोड़, मेरे पास आ। अरे हाँ भैया, आ रहा हूँ। हाँ भैया, बताओ क्या हुआ? अरे गौरव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे भाई, बात क्या है? अरे भाई, मेरे एक दोस्त है दिल्ली में, तू उसके पास जा, वो तुझे अच्छी नौकरी लगवा देगा। लेकिन भैया, यहाँ गाँव में मैं तुम्हें छोड़कर अकेले कैसे जा सकता हूँ? यहाँ गाँव में इतना सारा काम है, तुम कैसे संभालोगे ये सारा काम? अरे मेरे भाई, तू यहाँ की छोड़, अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच। इस गांव में कुछ नहीं रखा, यहाँ के मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन भाई, मैं कभी गांव से बाहर भी नहीं गया और ना ही कभी तुमसे दूर गया, तो मेरा मन कैसे लगेगा वहाँ? अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना काम कर सकें। जब तक इस गांव से बाहर नहीं लेगा तो दुनिया कैसे देखेगा तू? चलो ठीक है भैया, जब तुम इतनी कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम यहाँ रहकर अपना ख्याल रखोगे और खाना टाइम से खा लिया करोगे। ठीक है भाई, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा, लेकिन तू भी एक वादा कर कि जब तक तेरी नौकरी नहीं लगेगी तू घर वापस नहीं आएगा। ठीक है भैया, मैं वादा करता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखना। कौन कहता है हम लड़कों की ज़िंदगी मौज में कटती है, हजारों मुश्किलों से लड़ना पड़ता है हम लड़कों को, जब जाके ये ज़िंदगी कटती है। अरे यार, हाँ आ रहा हूँ यार, गांव से एक लड़का आ रहा है यार, आफत हो गई यार नौकरी के लिए। हे यार, मेरे जानने वाले का यार भाई है यार, मैंने हवाबाजी में मैंने बोल दिया नौकरी लगा दूंगा, भेज दे उसे, उसने सच में भेज दिया यार, आफत आ गई यार। अरे कहाँ रह गए यार, एक घंटे हो गए मुझे खड़े खड़े, खुद ढूंढ लेगा नौकरी, मैं जा रहा हूँ। इस सफर में एक बात समझ आई कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितना भी अपना हो वो सब पहले अपना देखते हैं। अब क्या करूं, कहां जाऊं, भाई से भी वादा करके आया हूं, घर भी वापस नहीं जा सकता। अरे भैया, मेरी आप हेल्प करो। हेल्प? कैसी हेल्प? भैया, मैं ना इस शहर में नया आया हूँ, और जिस भाई ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गए, तो क्या आप मेरी नौकरी लगवा सकते हो? क्या कहा, यहाँ दिल्ली में नौकरी? यहाँ भाई बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं होटल रेस्टोरेंट में जा, वहाँ झूठे बर्तन दो, जाके काम कर अपना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। हम मिडिल क्लास फैमिली के लड़के एक अच्छा भाई और बेटे होने का किरदार निभाना ज़रूरी समझते हैं, अपने सपने बाद में हैं, पहले घर की मजबूरी समझते हैं। सबके हिस्से में आने के लिए हम अपने आप को कई हिस्सों में बांट लेते हैं। आसमान में उड़ने के सपने देखने वाले हम लड़के अपने पंखों को अपने हाथों से काट लेते हैं। अरे यार, तुझसे एक लड़के के लिए कितने दिन से बोल रखा है, तुझसे एक काम नहीं हुआ मेरा। भेज तो सही तू, मैं सैलरी भी अच्छी दूंगा, ठीक है ना? अरे सर, अरे क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कैसे?
सर मैं ना इस शहर में नया हूँ और मुझे नौकरी की ज़रूरत है और आपको लड़के की, तो क्या मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूँ? नौकरी तो मिल जाएगी मेरे भाई, काम थोड़ा कठिन होगा, कर लेगा? हाँ सर, अभी संजान शहर में जाऊँ भी तो कहाँ, आप जैसा काम बोलोगे मैं कर लूँगा। आओ तो चलो ठीक है, दिखा देता हूँ काम। देखो ये मेरा फार्म हाउस है, देख भाई सैलरी दूंगा 12,000 और खाना पीना फ्री, पर इसकी देखभाल अच्छे से करनी होगी तुझे। ठीक है सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहाँ की देखभाल मैं बहुत ही अच्छे से करूँगा। ठीक है फिर, ये ले मेरा कार्ड, जो भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर लेना इस नंबर पर। ठीक है मैं जाता हूँ। भैया ये सब काम मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, वरना इससे अच्छा काम तो मैं गांव में रहकर भी कर सकता था। बहुत जल्दी सीख लेता हूँ जिंदगी का सबक, गरीब घर का लड़का हूँ जनाब, बात बात पर जिद नहीं करता। अरे गौरव इधर आ जरा। अरे गौरव तुझे 2 महीने हो गए, तुझे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, परेशानी तो कुछ नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा घर की याद आती है। अरे कोई बात नहीं गौरव, 2-3 दिन के लिए घर चला जा, आराम से घूम के आ जा, टेंशन लेने वाली बात कौन सी है। ठीक है सर, मैं कल घर चला जाऊंगा और 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आराम से जाना थोड़ा देख के। ठीक है सर। आज तो भैया से बहुत दिन बाद मिलूंगा, मुझे देखकर बहुत खुश होंगे भैया। भैया, अरे भैया कहाँ चले गए? शायद खेत की तरफ होंगे। अरे काका, मेरे भैया को देखा है तुमने कहीं? भैया कहाँ चले गए? अरे भैया उनको तो 1 महीना हो गया यहाँ से सारी जमीन बेच के, पता नहीं कहीं चले गए। चले गए लेकिन कहाँ?